हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के, सपोजिटरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सपोजिटरीज क्या होती है, क्यों उनको यूज़ करते हैं, क्या उनको यूज़ करने का कारण है और कैसे उनको इंसर्ट करते हैं यानी यूज़ करते हैं। तो ये सब हम बात इस लेक्चर में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी ये आज का लेक्चर ज्ञान का खजाना होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान एकमात्र ऐसी चीज़ है दुनिया में जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, और ज्ञान से ही आपका नाम होता है, ज्ञान से ही आपका नाम रोशन होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स, एक बार और बता दूँ कि जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है 5 नंबर में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, सपोजिटरीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कि हमारी सपोजिटरीज जो होती है उनकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सपोजिटरीज होती है, क्या है सपोजिटरीज? इज अ टाइप ऑफ सॉलिड यूनिट डोसिस फॉर्म। इसने क्या कहा कि ये क्या है, टाइप ऑफ सॉलिड यूनिट डोसिस फॉर्म होती है, ऑफ सॉलिड यूनिट डोसिस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, और मेडिकामेंट होती है, इसने कहा, जिसने क्या कहा, विच इज इंसर्टेड, जिसको हम इंसर्ट कराते हैं इन टू वेरियस कैविटी, मतलब अलग अलग कैविटी में उसको इंसर्ट कराते हैं, एक्सेप्ट ओरल कैविटी। मतलब आपको दिखाया यहाँ कि अलग अलग कैविटी में इसको आप क्या कराते हैं, एंटर कराते हैं, और एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, आपकी ओरल कैविटी को छोड़ करके इसको आप इंसर्ट करा सकते हैं हर कैविटी में। फिर इसने क्या कहा कि दे मेल्ट, मतलब ये क्या, पिघलती है और डिजोल्व होती है, यानी घुलती है, एंड रिलीज देयर मेडिकामेंट, और अपना मेडिकामेंट जो है उसको रिलीज करती है, एंड शो देयर थेरेप्यूटिक एक्शन, और अपना एक्शन शो करती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी डेफिनेशन सपोजिटरीज की। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसमें दो टर्म यूज की गई है, कि मतलब कैविटी क्या होती है और ओरल कैविटी क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आपका माउथ है यानी आपका मुंह है उसको कहते हैं ओरल कैविटी। तो फ्रेंड्स, इसने क्या कहा कि उसमें मतलब वेरियस कैविटी में यूज की जाती है, एक्सेप्ट ओरल कैविटी, यानी मुंह को कैविटी को छोड़ करके बाकी आप किसी कैविटी में भी इसको यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब ओरल मतलब वेरियस कैविटी कौन कौन सी है, जैसे आपकी भाई, जैसे आपकी रेक्टल कैविटी होगी, रेक्टल कैविटी मतलब जहाँ से आप अपना वेस्ट मटेरियल, यानी आपकी जो एनस होगी, यानी जहाँ से आप अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करते हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप रेक्टल कैविटी कहेंगे। तो फ्रेंड, दूसरी बात करेंगे आपकी, जैसे नसल कैविटी हो गई, नसल कैविटी आपकी जो नोस्टिल, दो नोस्टिल, नाक की नोस्टिल है, इसको आप नसल कैविटी कहोगे। तो फ्रेंड, तीसरी जैसे पता आपके जो ईयर है, जो कान है, आपका छेद है, उसको आप ईयर कैविटी कहोगे। और फ्रेंड्स, जो आपकी हमारी, जैसे आप अपना टॉयलेट करने जाते हो, जहाँ से आप टॉयलेट करते हो, यानी आपका पेनिस में जो छेद होता है उसको आप कहते हैं, उसको आप यूरेथ्रल कैविटी कहते हो। फिर जो हमारी जो लेडीज होती है तो उनमें भी, जैसे जिसको आप योनि कहते हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप वेजिनल कैविटी कहते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई कैविटी, मतलब 5-6 प्रकार की हमारी जो कैविटी होती है ये। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी कैविटी होगी। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मतलब जो हमारे पास, क्या भाई, हमारे पास टैबलेट भी है, कैप्सूल भी है, सॉलिड यूनिट डोसिस फॉर्म भी है, लगाने के लिए क्रीम वगैरह भी है, तो मतलब फिर, और पीने के लिए सिरप भी है, तो फिर इस सपोजिटरीज की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी इसके, हम इसको उसको यूज करें। तो फ्रेंड्स, उनके बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी, जैसे आप कहते हो कि मतलब भाई किसी को दौरा आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, हम उसको कैसे टैबलेट देंगे, कैसे उसको हम सिरप देंगे, कैसे हम उसको क्या करें, कैप्सूल देंगे, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम उसको सपोजिटरीज प्रेफर करते हैं। तो सपोजिटरीज दे सकते हो उसको, रेक्टल कैविटी के थ्रू सपोजिटरीज दे सकते हो। तो या होता है, या क्या है, अगर भाई कोई पेशेंट है, वो खाना खा रहा है, कुछ भी दवाई ले रहा है, एकदम से उसको वोमिटिंग हो रही है, यानी उल्टी हो रही है, कुछ भी चीज़ हजम नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में आपको सपोजिटरीज प्रेफर कर सकते हो। फिर थर्ड में, अगर कोई बच्चा है भाई, कोई बच्चा है, कैप्सूल नहीं खा सकता और भाई टैबलेट नहीं खा सकता, तो क्या कर सकते, उस कंडीशन में भी आप उसको सपोजिटरीज दे सकते हो। वही कोई पेशेंट है, बूढ़ा पेशेंट है, क्या है, निगलने में, दवाई निगलने में, टैबलेट निगलने में, कैप्सूल निगलने में दिक्कत आ रही है, स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में आप उसको सपोजिटरीज दे सकते हो। भाई कोई बच्चा है, दवाई नहीं खा पा रहा, कड़वी लग रही है उसको, तो उस कंडीशन में भी आप सपोजिटरी दे सकते हो। तो यही कारण है हमारी सपोजिटरीज को बनाने का, ये सबसे बड़ा यही कारण है कि हम इसलिए उनको सपोजिटरी प्रेफर की जाती है। तो फ्रेंड, ये हो गए उसके कारण, मतलब कि इसलिए हम उसको यूज करते हैं, क्यों बनाई गई है सपोजिटरीज। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सपोजिटरीज कौन कौन सी होती है, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टल सपोजिटरीज के बारे में बात करते हैं।
तो फ्रेंड जो हमारी रेक्टल सपोजिटरीज होती है वो क्या होती है, रेक्टल मतलब जहां से आप अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करते हो, यानी आप जहां से आप पोटी करने जाते हो, तो उसी उसको क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं रेक्टल, रेक्टल कहते हैं, रेक्टल कैविटी कहते हैं। तो रेक्टल कैविटी के थ्रू जो सपोजिटरी दी जाती है उसको रेक्टल सपोजिटरीज कहते हैं। तो रेक्टल सपोजिटरीज हो गई। तो फ्रेंड इसका क्या है, इसका इसका कितना वेट होगा, इसका वेट होगा आपका 2 से 3 ग्राम का वेट होगा हमारी रेक्टल सपोजिटरीज का। तो फ्रेंड इसको जो हमारा पेशेंट होता है वो खुद ही इसको मतलब इंसर्ट कर सकता है अपनी, मतलब इसको पहले से इंसर्ट करने से पहले ध्यान रखना है आपको हाथ अच्छी तरह से धोने हैं, और फिर आप उसको अपने रेक्टल से खुद ही मतलब इंसर्ट कर सकते हो। और मतलब जैसे इंसर्ट करें तो थोड़ी मतलब 10-5 मिनट ऐसे ही लेटे रहे, और ताकि वो अपने एक्शन शो कर सके, जाकर के मेल्ट हो सके। फिर बात करते हैं हम वेजिनल कैविटी की, मतलब वेजिनल कैविटी यानी वेजिनल सपोजिटरीज की बात करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारी वेजिनल कैविटी होती है, जिसको आप योनि कहते हो हिंदी में, तो आप लेडीज यूज करती है इसको। तो फ्रेंड जो हमारी वेजिनल कैविटी होती है उसको आप पैसरीज भी कह सकते हो। पैसरीज कहते, जो हमारी वेजिनल सपोजिटरीज होती है उनको पैसरीज कहते हैं। तो उसका वेट कितना होता है, उसका वेट हमारा 4 to 8 ग्राम उसका वेट होता है। इसको भी हमारी लेडीज होती है खुद यूज कर सकती है, या किसी की हेल्प भी ले सकती है। और इसके लिए डिवाइस भी आती है, जो डिवाइस यूज करते हैं उसको उसको भी उसको यूज कर उससे यूज कर सकते हैं अपनी वेजिनल सपोजिटरी यानी पैसरीज को यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड है फ्रेंड हमारी यूरेथ्रल सपोजिटरीज हैं, जिनको आप यूरेथ्रल बोगीज कहते हैं। तो फ्रेंड जो हमारी यूरेथ्रल बोगीज होती है, जैसे आप टॉयलेट करने जाते हैं, जहाँ से आप टॉयलेट करते हैं आपके पेनिस के थ्रू जो क्रूस होते हैं, तो उसको वहाँ पे यूज करते हैं, उसको हमारी कौन सी यूरेथ्रल बोगीज को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नसल, मतलब नसल मतलब जो हमारी नाक की नोस्ट्रिल होती है उनके उनमें हम इसको इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट का मतलब उसको डालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उनको हम ये काम नसल बोगीज कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम नेक्स्ट होती है हमारी लास्ट में ईयर, ईयर का मतलब जो हमारी कान का छेद होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ उसमें सपोजिटरीज डालते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ईयर, ईयर सपोजिटरीज यानी ईयर कौन कहते हैं। तो उनका वेट कितना होता है, जो हमारी नसल होती है बोगीज उनका वेट भी 1 ग्राम होता है, और जो हमारी ईयर होती है उनका वेट भी 1 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी 5 टाइप की सपोजिटरीज, जो हम जहाँ जहाँ यूज करते हैं, मतलब किस किस कैविटी में इसको यूज करते हैं उनके हिसाब से उनके नाम को यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि उनको यूज कैसे करते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ये बात करते हैं कहाँ कहाँ पे उनका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं हम उसकी रेक्टल सपोजिटरीज के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी रेक्टल सपोजिटरीज होती है वो क्या होती है, उनको क्यों यूज कब यूज करते हैं, जब क्या है भाई जो कोई हमारा पेशेंट है उसको क्या करें, वो बहुत दिनों से क्या होगा अपना उसका पेट साफ नहीं हो पा रहा, कहते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा भाई, नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि बंद लग गया। तो उस कंडीशन में जैसे उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उसको, यानी कब्ज कहते हैं हिंदी में, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो उस कंडीशन में आप सपोजिटरीज यूज कर सकते हो, रेक्टल सपोजिटरीज यूज कर सकते हो। तो रेक्टल सपोजिटरीज क्या होगी हमारी, उनको इंसर्ट करेंगे आप, तो आप जैसे ही 2-3 मिनट के लिए रुकेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक आपसे आपको मतलब कह सकते हैं आप कि आपको फीलिंग आएगी, आप जा सकते हो, अपना पेट साफ हो जाएगा आपका, यानी हेमोरॉइड्स हो गया आपको, उस कंडीशन में आप सपोजिटरी दे सकते हो। भाई कोई क्या है, कोई पेशेंट है उसको क्या हो गया, उसको दौरा पड़ गया, कुछ ऐसा हो गया, सिज़ोफ्रेनिया कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आप इनको यूज कर सकते हो अपनी रेक्टल सपोजिटरीज को। फिर बात करते हैं वेजिनल सपोजिटरीज की, यानी वेजिनल सपोजिटरीज यानी पैसरीज की बात करते हैं, वो कहाँ उनका यूज क्या है। तो उनका यूज क्या होता है, आपकी जो वेजिना होती है, ये योनि होती है, उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं आपकी वेजिनल सपोजिटरीज यानी पैसरीज यूज करते हैं। और क्या करते हैं, या वेजिनल ड्राइनेस, वेजिना के अंदर आप देखते होंगे, वेजिना के अंदर क्या होता है, एक फ्लूड होता है, फ्लूड चिपचिपा पानी होता है, तो अगर वो फ्लूड ड्राई हो जाए तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं, अपनी पैसरीज को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आ गया हमारे बोगीज, बोगीज मतलब जो यूरेथ्रल बोगीज होती है, यूरेथ्रल बोगीज कब यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे जेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कभी कभी कंडीशन हो जाती है कि मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, इरेक्शन नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, उसको हम प्रेफर करते हैं कि उसको यूरेथ्रल बोगीज दे। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं नसल, मतलब नसल बोगीज मतलब जो नाक में यूज करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे नसल बोगीज होती है उनका हम कैसे यूज करते हैं, अगर हमारे नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया है भाई, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं आपकी नसल बोगीज यूज करते हैं। फ्रेंड फिर बात करते हैं आपने ईयर बोग, ईयर कॉन्स यूज करते हैं, ईयर कॉन्स का मतलब ईयर की जो सपोजिटरीज होती है, यानी हमारे भाई कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं अपनी ईयर कॉन्स यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए इसके यूज हमारे हमारे सबकी सपोजिटरीज के। तो फ्रेंड जो हमारी सपोजिटरीज होती है उनको आप खुद यूज कर सकते हो, किसी की हेल्प भी ले सकते हो। तो फ्रेंड जो हमारी सपोजिटरीज होती है वो क्या होती है, वो एकदम से एक्शन उसका बहुत जल्दी दिखाई देता है आपको, मतलब इंस्टेंट एक्शन होता है एकदम से, जिस भी काम के लिए ले रहे हो आप उसका इंस्टेंट एक्शन होगा आपको देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों में क्या होता है कि बच्चे अपने कई दिनों से क्या करते हैं, आप कहते हैं कि नॉर्मल भाषा में बंद लग गया भाई उसके, वो अपना पोटी नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या करते हैं जब डॉक्टर जाते हो तो आप उसको बच्चे को क्या होता है सपोजिटरीज होती है, तो वही सपोजिटरीज होती है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी सपोजिटरीज, आप देख सकते हैं इस लेक्चर में आपको उसकी शेप भी दिखाऊंगा कैसे कैसी होती है, किस किस शेप की होती है, तो वो सब आप सपोजिटरी देख सकते हो कैसे कैसे हो सकती है, आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी सपोजिटरीज की बात, तो मतलब जो हमारी सपोजिटरीज होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको जब भी हम यूज करें तो प्रॉपरली हाथ धोना है, गर्म पानी से हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है, अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद उनको यूज किए। तो फ्रेंड्स इसको क्या करें, इसको ज्यादा टेम्परेचर में ना रखें क्योंकि वो पिघल जाएगी ज्यादा अगर इतनी मतलब एकदम से मेल्ट हो जाती है, तो मतलब जो हमारी सपोजिटरीज होती है फ्रेंड्स उनके अंदर क्या होता है, जो हमारा उनके अंदर हमारा यूज करते हैं हम जब बेस यूज करते हैं तो उनके अंदर जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है हमारा वो मोम टाइप का होता है, तो एकदम से पिघल जाता है इसलिए। तो उसमें जैसे हम थियोब्रोमा यूज करते हैं, कोका बटर यूज करते हैं, तो थियोब्रोमा ऑयल यूज करते हैं, तो ये इसके बेस होते हैं हमारे सपोजिटरीज के। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी बात सपोजिटरीज की। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम का सलूशन जरूर मिलेगा। अब यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।